हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी? देखिए, कल छोटे झाजी के साथ गुड इवनिंग और आज मेरे प्यारे चकोर के साथ। क्यों बोलो? मैंने सोच लिया है कि जब तक एक नया इंसान नहीं होगा ना मेरे साथ, मैं गुड इवनिंग ही नहीं करूँगी। अच्छा, क्यों? कभी मामा जी के साथ अकेले अच्छा नहीं लगता, कभी छुटकी के साथ। तो गोलू, आप शाम को स्पेशल क्या है? आज स्पेशल है 11 डेट, मंथ कौन सा है? सितंबर। तो हो चुके हैं 7 मंथ कंप्लीट हुए हैं हमारी छुटकी और बुआ की शादी के। okay. तो 7th मंथ एनिवर्सरी है एक तरीके से। तो बस वही छोटा सा सेलिब्रेशन हम करने वाले हैं, तो उसमें बउआ बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, वो है ही नहीं। तो कोई बात नहीं, वो नहीं है तो क्या हुआ, हमारी बहू हमारे साथ आई गई है, हमें उनकी जरूरत भी नहीं है। क्यों? हम हैं, चकोर है, बच्चे हैं, बस ऐसे ही इंजॉयमेंट है। तो आइए देखिए, एक छोटी सी हमने छोटी सी मिनी पार्टी की तैयारी की है यहाँ पे। ये देखिए आप सभी, जैसा कि आप सभी को बताया कि मामा ठाकुर जो है वो केक बनाने में एक्सपर्ट हैं, तो ये छोटा सा मिनी केक उन्होंने बेक किया है। उन्हें तो बस मौका चाहिए छोटे छोटे सेलिब्रेशन सेलिब्रेट करने का, उन्हें भी हमें भी। छुटकी आओ। और ये कोल्ड ड्रिंक है और थोड़े से चिप्स हैं, बस ये आ चुकी है हमारी दुल्हनिया। आइए। हेलो, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी 7th मंथ एनिवर्सरी, है ना? अभी हम मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, ईयर सेलिब्रेट करेंगे, फिर ईयर मतलब करते रहें, है ना? हाँ, तो ये खुशी के मौके जो है ना हमें मिलते रहे, है ना? और ऐसे ही दो छोटी सी एक मीठी चीज लेके ही जो है ना हम इतने खुश जो है खुशियों को बटोरने लगते हैं। क्यों? तो ये छोटा सा मिनी केक है, हालांकि बउआ नहीं है तो इसलिए दुल्हन थोड़ी सी अपसेट है, क्योंकि वो आज इवनिंग में आ नहीं पाएंगे पापा के साथ, वो बिजी हैं, मार्केट चले गए हैं। कोई बात नहीं, हमारे पास चकोर है। चकोर आप आइए, हमारे पास बैठिए, आइए चेयर्स करते हैं सब जने साथ में। चकोर के साथ काटेंगे आज छोटी मामी, ऐसे कटिंग करेंगे ही नहीं। मम्मी नहीं है, कार्तिक नहीं है, तो ये हमारी कोल्ड ड्रिंक बेकार हो जाएगी ना। हम स्टार्ट कर लेते हैं, ऐसा है ना, हम स्टार्ट कर लेते हैं, फिर एड ऑन होते रहेंगे सब उसी में। कोल्ड ड्रिंक भी लेते हैं, ये केक कटिंग बाद। हाँ, केक बाद में कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, है ना? तो कोल्ड ड्रिंक और चिप्स, कोल्ड ड्रिंक उठाओ अपनी। हाँ, उठा लेंगे। उठाओ। चीयर्स। तो फिलहाल हम सिर्फ कोल्ड ड्रिंक से ही काम चला रहे हैं। मम्मी और कार्तिक गए हुए हैं पार्क, वो आते हैं, उसके बाद हम ये केक जो है ना बच्चों की चाची बच्चों के साथ कटिंग कर लेंगी और फिर हम सभी उसे खा के देखेंगे कि कैसा बनाया है मामा जी ने केक। क्यों? और यहाँ देखिए, मम्मी और कार्तिक आ चुके हैं पार्क से, और जो अधूरा काम हमने छोड़ा था वो अभी बाकी ही है। मम्मी अभी बहुत थकी हुई है, अभी नहीं बोलेंगी। और यहाँ देखिए, शाम का नाश्ता चल रहा है। 4 दिन बीतते नहीं है कि कार्तिक की डिमांड आती है शाम के नाश्ते में नमकीन चावल, और चाची ने बनाया फटाफट एकदम, है ना? तो यहाँ जो है ये शाम का नाश्ता चल रहा है, देखिए सभी का नमकीन चावल। पढ़ते पढ़ते ये लोग थक गए हैं, किताबें वहाँ खुली पड़ी हैं और बीच बीच में इनका डोज जो है वो चलता रहता है। कार्तिक आज पार्क चले गए थे, उनका सिलेबस कम्प्लीट हो गया था कल के एग्ज़ाम का, तो पार्क चले गए थे, तो वो पहले ही आ गए और मम्मी नीचे थोड़ा सुस्ता के और फिर आराम आराम से आती हैं ऊपर। क्यों मम्मी? तो आज जो है बेटे बहू की है 7th मंथ एनिवर्सरी, 7 महीने पूरे हो गए आपकी बहू को आए हुए, खुश रहो। तो बेटा साहब तो जो है वो आज आपके आए ही नहीं, मार्केट चले गए। तो ऐसे ही आशीर्वादों से जो है हमारी मोनिका डार्लिंग जो है वो हंसती खेलती रहे। और वो जो केक छोटा सा मामा ठाकुर ने बनाया है इस खुशी में, तो वो आज इस बार जो चाची है ना वो बच्चों के साथ ही कटिंग कर लेंगे। क्यों चाची? और वो भी खुशी खुशी, है ना? तो पहले नाश्ता हो जाए, उसके बाद फिर डेजर्ट में हो जाएगा आपका केक, ठीक है? वही कहने वाले थे, कह दिया। ओके। और हमारे प्यारे, आपके प्यारे, हम सबके प्यारे मामा ठाकुर यहाँ है। बहुत यम्मी नमकीन चावल बने हुए हैं, साथ में राई वाली मिर्च का अचार है, तो क्या ही मस्त मजा आ गया। और घी है बहुत सारा, खा चुके हैं, चट कर गए, 2 मिनट में और ले लीजिए थोड़ा सा। ये बहुत फास्ट खाना खाते हैं, ये हर चीज के लिए लेट है लेकिन खाना खाने में सबसे फास्ट है। तो जो है सभी खा रहे हैं तो मैं भी खा लेती हूँ। और यहाँ मैं बना रही हूँ आज भिंडी आलू की
सब्जी, क्योंकि अब श्राद्ध पक्ष शुरू हो गए हैं तो सारी ही सब्जियां हमारे घर जो है ना वो बिना लहसुन प्याज की ही बनेंगी। मोस्टली भी हम महीने में ना बहुत कम ही प्याज का यूज करते थे, अभी डेली का क्या है कि अब बिना प्याज के ही बनाना है। तो भिंडी आलू मैंने फ्राई करके रखे हैं और कुछ भी नहीं है, बस टमाटो और हरी मिर्च, टमाटर और अदरक, इनको मैंने पेस्ट बना लिया है और मैं इनका मसाला जो है वो पका रही हूँ। और इसमें फिर ये भुनी हुई सब्जी ऐड कर दूंगी, थोड़े हल्दी, धनिया, गरम मसाला, कोई भी ऐसा मसाला जो पैकेट का आता है वो अभी हम डाल ही नहीं सकते, क्योंकि किसी भी इंग्रेडिएंट में जो है ना कुछ भी हो सकता है, गार्लिक हो सकता है ना, तो इस वजह से। तो सिर्फ धनिया और गरम मसाला से जो है ना ये सब्जियां हमें अभी बनानी है। हम प्याज बना सकते हैं लेकिन ये होता है कि नहीं खा रहे हैं तो कोई भी नहीं खा रहा है, सबके लिए एक जैसा ही बना लेते हैं। और बिना प्याज का खाना ना ज़्यादा अच्छा बनता है, ऐसा यहाँ सबका मानना है, मुझे भी अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। तो इस बच्चे नाश्ता करते हुए पता भी नहीं चलता है ना, तो इसी तरह जो है हम बनाते हंसते गाते आप सभी के साथ मिलते रहेंगे। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं और आप पहली बार देख रहे हैं चैनल, तो प्लीज़ चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करिए, फैमिली को बढ़ाइए और हमें अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। अभी केक कटिंग बाकी है तो इसलिए मैं बाय बाय नहीं बोलूँगी। तो यहाँ हो चुका है सब कुछ रेडी है ना, तो चकोर चले गए और मम्मी और कार्तिक आ गए हैं, तो कोल्ड ड्रिंक और चिप्स हमने चकोर के साथ ही खा ली पी ली, तो बच गया सिर्फ केक। तो केक कटिंग के लिए छुटकी अकेली पड़ रही थी तो इसलिए बच्चे आ गए सपोर्ट करने। क्यों, चलो कोई बात नहीं, हम शादी हुई है उन चाचू के साथ ना, रहती तो सारा दिन हमारे साथ हैं, आपके साथ हैं, चलो आज आप लोग कटिंग करो, मैं फिर वीडियो कैसे बनाऊंगी, आप लोग कटिंग करो, नहीं उसी में हाथ लगाओ, हाँ ये चाकू ही टूट जाएगा रुको, ओरिजिनल ले लीजिए ओरिजिनल, ये बात, अरे वाह, हाँ ये सत्ता, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, कोई बात नहीं है ना, अभी डेली लाइफ। मम्मी बताएंगी कि उनके पुत्र ने जो है वो केक कैसा बनाया, कैसा बनाया मम्मी केक, बहुत स्वाद है, तो केक बनाने में मामा ठाकुर हो चुके हैं एक्सपर्ट है ना। अब यहाँ कटिंग चल रही है, बच्चों को खिलाया जाए, पहले बच्चों को खिला दो, बच्चा मम्मी बड़ी है, मम्मी बड़ी है, आप आगे खा लो ना, दिखा दो कि हाँ 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 तो मैं खा चुकी हूँ और अब बारी है चाची के खाने की, तो बच्चों खिलाया जाए। तो बच्चों ने जो है चाची को केक खिला दिया है, अब सभी जने बताएं कि केक कैसा बना है, कैसा लग रहा है भाई, मैंने भी टेस्ट किया, बहुत अच्छा है, यमी है, सॉफ्ट है एकदम, हाँ मम्मी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा क्योंकि थोड़ा सा फीका है, तो मम्मी के लिए हो गया बेस्ट है ना। तो अब केक को एंजॉय करते हैं। आज की छोटी सी ब्लॉगिंग आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, पता नहीं क्या क्या रिकॉर्ड किया है सारा दिन, हाँ हमने क्या भी क्या रिकॉर्ड किया है आज, ठीक है आप सभी देख के बताइएगा कि आज हमने क्या रिकॉर्ड किया। तो इसी के साथ आज की एंड कर देते हैं वीडियो है ना, मेरी आवाज़ के साथ और इन तीनों के सुंदर रूप के साथ आज की व्लॉगिंग को यहीं एंड करते हैं, और केक को भी, क्यों तो केक पे अटैक करना है बच्चों को, तो यहाँ बाय बोल दीजिए, राधे राधे बोल दीजिए, कार्तिक मम्मी हेलो गाइज बाय गाइज, हेलो गाइस, बाय बाय गाइस।